कुछ लोग तो सोचते हैं कि कैस्टर ऑयल का यूज़ हमें क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इससे बेनिफिट सच में होता है या नहीं होता। तो इसका आंसर मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि कैस्टर ऑयल लगाने से क्या क्या बेनिफिट होता है, और इसको अगर हम हेयर पे अप्लाई करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होता है, और इसको हम अपने स्किन पे भी अप्लाई करते हैं तो उसका भी क्या बेनिफिट होता है। कैस्टर ऑयल एक नेचुरल ऑयल माना जाता है, जिसे साइंटिफिक नेम से जाना जाए तो इसे रिकिनस कमनीस के नाम से जाना जाता है, और जिसे इंग्लिश में कैस्टर ऑयल और हिंदी में अरंडी का तेल कहा जाता है, जो अगर हम इसे अपने हेयर और फेस पे अप्लाई करते हैं तो काफ़ी बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। कैस्टर ऑयल होता है थोड़ा सा गाढ़ा तेल, जो दिखने में हल्के पीलेपन का होता है। अगर हम इसे अपने हेयर पे लगाते हैं तो हेयर रीग्रोथ में काफ़ी हेल्प करता है, और अपने स्किन में भी इसे अप्लाई करते हैं तो स्किन को शाइनिंग बनाने में भी काफ़ी हेल्प करता है। स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है उससे दूर करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैं कुछ कैस्टर ऑयल के बारे में आप सबको बताने वाली हूँ कि अगर हम इसे हेयर पे लगाते हैं तो इससे क्या क्या बेनिफिट मिलता है, और इसे हम अपने स्किन पे अगर लगाते हैं तो इससे क्या क्या बेनिफिट मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू मौर्य और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, जिसका नाम है एंटी मौर्य स्टाइल। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ही देना, क्योंकि मेरे चैनल पर मिलती है इसी तरह की वीडियो जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैस्टर ऑयल को हम अपने स्किन पर अगर अप्लाई करते हैं तो उससे क्या क्या बेनिफिट मिलता है। हमारी स्किन 3 टाइप की होती है, जो पहला होता है ड्राइनेस स्किन, और दूसरा होता है ऑयली स्किन, और तीसरा होता है कॉम्बिनेशन स्किन। अगर आपकी स्किन ड्राई है और अगर आप कोई भी क्रीम अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो अगर आपको लगता है कि वो क्रीम ऑब्जर्व हो जाती है और पता नहीं चलती फेस पे, तो आप कैस्टर ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके स्किन को मॉइस्चराइजर बनाने का बहुत ही काम करता है। आमतौर पर ऑयली स्किन वालों पे ये देखा जाता है कि उनकी ऑयली स्किन होने के कारण उनके फेस पे पिंपल्स वगैरह होने लग जाते हैं, और काफ़ी लोग रिकमेंड करते हैं कि वो ऑयली चीज़ अपने फेस पे अप्लाई ना करें। बट यहाँ पे अरंडी का तेल अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके पिंपल्स वगैरह को रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर आपके फेस पे डार्क स्पॉट या फिर पिंपल्स के निशान वगैरह पड़े हुए हैं तो आप कैस्टर ऑयल का अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पाया जाता है फैटी एसिड, जो आपके स्किन के अंदर जाके स्कार टिश्यूज जो होता है उसके अंदर जो उसको रिपेयर करके उसको बाहर निकाल देता है, जिससे कि आपके स्किन के दाग धब्बे जो भी होते हैं उसको रिमूव कर देता है। अगर आपके फेस पे हो रहे हैं रिंकल्स तो आप कैस्टर ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पाया जाता है फैटी एसिड, जो आपके स्किन के अंदर जाके कोलेजन और इलास्टिन, जो जिसे प्रोटीन कहा जाता है, उसको रिलीज़ करता है, जिससे क्या होता है आपके स्किन पे अगर झुर्रियाँ वगैरह हो रही है रिंकल्स वगैरह को कम करने में ये हेल्प करता है। अगर आपके डार्क लिप्स है तो आप भी इसे एक अरंडी का ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके इस्तेमाल से क्या होता है आपके जो डार्क लिप्स है उसको एक टोन लाइट करने में काफ़ी हेल्प करता है, और इससे क्या होता है इसे अब अपने लिप्स पे अप्लाई करते हैं तो उसको लिप्स को मॉइस्चराइजर बनाने का भी काम करता है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो चलो अब बात कर लेते हैं हम हेयर के बारे में, अगर इसे हम अपने हेयर पे अप्लाई करते हैं तो इसका क्या क्या बेनिफिट मिलता है। अगर आप अपने बालों के झड़ने को रोकना चाहते हैं तो भी आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बालों का झड़ना किस तरीके से होता है, या तो हमारे सर में हो जाता है डैंड्रफ, या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाता है जिससे हमारे स्कैल्प में खुजली वगैरह या उससे प्रॉब्लम होने लग जाती है, गंजेपन की, बाल टूटना वगैरह सारी प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप अगर अपने हेयर स्कैल्प पे मसाज करते हैं तो इसका बेनिफिट ज़रूर मिलता है और आपके हेयर लॉस को स्टॉप करता है। कैस्टर ऑयल को अपने हेयर पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो एक ये एक प्रकार सा एक कंडीशनर के रूप में काम करता है, क्योंकि इसमें जो विटामिन ई पाया जाता है वो आपके बालों को मॉइस्चराइजर और कंडीशनिंग करने का भी काम करता है, जो आपको हेयर में शाइनिंग वगैरह लाने में भी बहुत हेल्प करता है। कैस्टर ऑयल को अगर आप अपने सिर पे मसाज की तरह अप्लाई करते हैं तो ये एक तरीके से आपके बालों को थिकनेस और लॉन्ग बनाने का काम करता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है ओमेगा 9, विटामिन ई और फैटी एसिड, जो आपके बालों को हेल्थी बनाने का काम करता है, क्योंकि ये चीज़ मैं भी अपने सर पे अप्लाई करती हूँ। कई लोगों के बाल टाइम से पहले ही वाइट होना स्टार्ट होने लग जाता है, अगर आप कैस्टर ऑयल का यूज़ करते हैं तो इसमें जो पिगमेंट्स वगैरह हो जाता है बालों में, जिससे कि हेयर आपके वाइट हो जाते हैं, तो इसको भी धीरे धीरे रिमूव करने में हेल्प करता है, जो एक नेचुरली ब्लैक हेयर देने में आपको हेल्प करता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये कैस्टर ऑयल, जो मैं भी यूज़ करती हूँ, और मैं भी आपको ये कहूँगी कि आप भी
इसे यूज़ करिए, या तो आप इसे कोकोनट ऑयल में मिक्स करके ही लगा सकते हैं। तो आप चाहे तो कैस्टर ऑयल से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, तो आप चाहे तो जाके पिछली वीडियो भी देख सकते हैं कैस्टर ऑयल से अपने इसमें क्या क्या मिक्स करके इसे हम हेयर पर अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और मेरे चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि मेरे चैनल पे इसी तरह की वीडियो अपलोड होती रहती है जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हम इसी तरह के और भी वीडियो लाते रहेंगे, तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।